सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया रास्ता कहानी का आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लेसन 9 एंड चैप्टर 9 से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको समझना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं किस तरह से आंसर करेंगे। तो अध्याय 9 में क्वेश्चन है कि नीलिमा ने अपनी शादी में किसे बुलाया। तो नीलिमा की शादी होने वाली थी, तो उसने किसे बुलाया था। नीलिमा ने अपनी शादी में मीनू को बुलाया था। मीनू मीनू उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसने बुलाया था। और वो हॉस्टल में रहती थी, वहां हॉस्टल में जाकर वो इनविटेशन कार्ड देकर आई थी। नीलिमा के लिए मीनू ने क्या भेंट खरीदा। तो नीलिमा की शादी होने वाली थी, तो मीनू ने सोचा कि जब मैं जाऊंगी शादी में तो मुझे कुछ गिफ्ट देना होगा। गिफ्ट यानी यहाँ पे वर्ड यूज किया गया भेंट, भेंट यानी गिफ्ट, उपहार, तोहफा। तो उसने क्या खरीदा गिफ्ट में, नीलिमा के लिए मीनू ने भेंट में एक दीवार घड़ी खरीदी। दीवार घड़ी मतलब एक वॉल क्लॉक। मीरापुर स्टेशन पर मीनू को कौन मिला। तो जब ये गिफ्ट लेकर फिर जब वो जा रही थी मीरापुर अपनी फ्रेंड की शादी के लिए, तो वहां स्टेशन पर कोई मिला। मीरापुर के स्टेशन पर मीनू को नीलिमा के बड़े भाई, तो नीलिमा का एक बड़ा भाई था यानी भैया थे, जिनका नाम था अशोक। ये मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कौन है अशोक। तो अशोक भैया वहां पे मिले, जो उससे घर छोड़ देते हैं। तो जब अशोक भैया देखते हैं कि अरे ये तो मेरी फ्रेंड, मेरी छोटी बहन की फ्रेंड है मीनू, तो उसे वो ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं और उसके घर पे ड्रॉप कर देते हैं। तो मीनू नीलिमा के घर क्यों जाना चाहती थी। तो अब जब वो घर पहुंच जाती है, तो उसे लगता है कि मुझे अब नीलिमा के घर जाना चाहिए। तो वो क्यों जाना चाहती थी। मीनू नीलिमा से मिलने के लिए जाना चाहती थी। तो जैसे ही वो मीरापुर पहुंचती, तो वो चाहती है कि नीलिमा के घर जाए, उससे बहुत सारी बातें करे। नीलिमा ने मीनू को किसका फोटो दिखाया। तो जब वो दोनों मिलते हैं, जब मीनू नीलिमा के घर चली जाती है, तो मीनू को फोटो दिखाया जाता है। किसका फोटो दिखाया गया, नीलिमा ने मीनू को अपने होने वाले पति का फोटो दिखाया। तो हम लोगों ने बात कर लिया इस पे, इसके पति कौन है, सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र जी का फोटो यहाँ पर था। वो फोटो दिखाती है कि ये है मेरे होने वाले पति, जिनसे मेरी शादी होने वाली है। तो मीनू ने शादी का सामान देखकर क्या प्रतिक्रिया दी। तो शादी होने वाली थी कुछ दिन में ही, 1 ही 2 दिन में। तो मीनू को एक्चुअली जो भी शादी में, मतलब नीलिमा के घर, मतलब जब शादी हो रही थी, तो बहुत सारे सामान उसके घर पे थे कि ये देना है वो देना है करके, बहुत सारे कपड़े सामान। तो वो सभी चीजें दिखाई जाती हैं मीनू को, और फिर वो अपनी प्रतिक्रिया देती है, मतलब रिएक्शन देती है। तो मीनू ने शादी का सामान देखकर कहा कि साड़ियां बहुत सुंदर है। तो ये जितनी भी साड़ी वगैरह है, साड़ियाँ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मीनू को घर आने में देर क्यों हुई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनू गई हुई थी नीलिमा के घर, उसे वहां से वापस आने में देर हो जाती है, तो क्यों देर हो जाती है। मीनू को घर आने में देर हुई क्योंकि वह सामान देखने के बाद खाना खाने के लिए रुक गई थी। तो मीनू जो है वहां पर सामान देखने लगी, उसमें टाइम स्पेंड हो गया, और फिर नीलिमा से बातें करने लगी, तो ऑलमोस्ट रात हो गई थी। तो माँ ने, ये नीलिमा की माँ ने कहा कि बेटा तुम यहाँ रुक जाओ, अब टाइम हो गया है खाने का, तुम खाना खा के घर जाना। तो नीलिमा की मेहंदी देखकर मीनू ने क्या कहा। तो नीलिमा जो है, हाँ, जब शादी का जो चलता है, चलती है तैयारियां, उसमें लड़कियों को मेहंदी लगाया जाता है, हिना लगाया जाता है। तो जब हिना निकलता है, तो उसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, किसी के कलर्स लाइट रहते हैं, किसी का डार्क कलर होता है, ठीक है। तो
नीलिमा का जो कलर था मेहंदी का, वो देखकर मीनू क्या कहती है? नीलिमा की मेहंदी देखकर मीनू ने कहा, तुम्हारी मेहंदी तो गहरी रची है। गहरी रची है मतलब जो कलर है मेहंदी का, नीलिमा का, बहुत ही डार्क है, और तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कलर डार्क हो, मतलब मेहंदी का, तो उसके जो हस्बैंड होंगे वो उसे बहुत प्यार करेंगे। तो यही बात वो कहती है कि तुम्हारी मेहंदी तो बहुत गहरी रची, इसका मतलब तुम्हारे जो हस्बैंड है वो तुमसे बहुत प्यार करेंगे। बारात के आने से नीलिमा के हृदय की धड़कन तीव्र क्यों होगी? तो नीलिमा की शादी होने वाली थी, और जब बारात आ जाती है, जब बैंड बाजा बजने लगता है और घर के पास ही बिल्कुल आ जाता है, तो नीलिमा जो है उसके हृदय, तो उसका हार्ट है जो है, हार्ट बीट को बढ़ जाता है, धड़कन तीव्र हो जाती है। क्यों तीव्र हो जाती है? तीव्र का मतलब होता है फास्ट। तो बारात के आने से नीलिमा के हृदय की धड़कन तीव्र हो गई, क्योंकि उसे लगा अब वह इस घर के लिए पराई हो जाएगी। तो अब उसे ऐसा फीलिंग आने लगा कि अब मेरी शादी होने वाली है और अब मैं इस घर में ज्यादा टाइम के लिए नहीं हूँ। तो वो ये सब सोचकर उसका जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं इस घर के लिए पराई हो जाऊंगी, मतलब जैसे ही मेरी शादी होगी तो अब ये घर मेरा नहीं रहेगा, अब ये मेरा घर, मतलब एक तरह से पराया घर हो जाएगा। अब मेरा घर कौन सा हो जाएगा? सतपुरा, जहाँ पे मेरे हस्बैंड रहते हैं। जयमाला के बाद मीनू ने क्या किया और अमित की क्या प्रतिक्रिया थी? तो अब क्या होता है कि जयमाला एक शादी का एक रिचुअल है, जिसमें गर्ल और बॉय एक दूसरे को माला पहनाते हैं, मतलब गार्लैंड पहनाते हैं। तो उस सेरेमनी को कहा जाता है जयमाला। तो जैसे ही जयमाला हो जाता है तो मीनू जो है एक गीत प्रस्तुत करती है, गीत मतलब गाना एक गाती है, और जब वो गीत सुनते हैं सब लोग, तो अमित जो है, अमित को मालूम ही नहीं होता है कि वो मीनू है। तो अमित ने उसकी सुरीले आवाज की प्रशंसा की। तो जो मीनू जो है बहुत अच्छा गाना गाती थी, तो जब उसकी सुरीली आवाज जो थी वो सुनकर अमित जो है उसकी प्रशंसा करता है। अमित भी आया था उस शादी में, क्योंकि अमित का घनिष्ठ मित्र है सुरेंद्र। तो अमित ने उसका मतलब ये बड़ाई किया, प्रशंसा की कि वाह, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है। ठीक है बच्चों, तो यही था हमारे लेसन नंबर 9 में। आगे के क्लास में हम लोग आगे की स्टोरी देखेंगे।